ऋषभ शेट्टी को फिल्म कांतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर अभिनेता ऋषभ शेट्टी से डीडी न्यूज संवाददाता जया सिन्हा ने खास बात की है। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के साथ साथ राष्ट्रीय पुरस्कारों में भी कांतारा का जलवा जारी है। ऋषभ शेट्टी, हमारे साथ, बहुत बहुत बधाई राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के लिए। तमाम पुरस्कार आपको इस फिल्म के लिए मिल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार क्या मायने रखता है? डेफिनेटली इट इज़ आर प्राइड, एक हमारे देश का एक नेशनल अवार्ड, बहुत बड़ा फील करता हूँ मैं, एंड वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मानता हूँ मैं। सो पूरे देश में हमारा फिल्म को सेलेक्ट करना, सम्मान देना, बहुत बड़ा बात सोचता हूँ मैं। सो बहुत खुशी हो रही है। एक बार फिर वो सारी फिल्मों की जो वो फिल्मांकन की यादें थी वो वापस आ रही हैं, और उस समय क्या ये एहसास था कि ये फिल्म इतनी बड़ी हो जाएगी और विश्व में जो इसकी धूम मची? नहीं नहीं, डेफिनेटली नॉट। सो हर फिल्म हम वही सेम एफर्ट डालते हैं, जो इससे पहले जो फिल्म किया था मैं, सेम एफर्ट था। करते वक्त हमको ये लोगों को पसंद आना चाहिए, वो एक ही मोटिव रहता है, लेकिन वो लोगों ने लेके आते हैं, एंड दैट इज़ अ ह्यूज थिंग। एंड हर लैंग्वेज में, पूरे देश और विदेश में भी बहुत अच्छा चला है फिल्म। उसके बाद ऐसा एक पुरस्कार मिलना बहुत बहुत बड़ा मानता हूँ। ऐसी कहानी जो एक आम लोगों के दिल को छू सके, वॉज अ वेरी सिंपल स्टोरी विद सिंपल पीपल इन द बैकग्राउंड। आपको लगता था कि आप उतना जस्टिस कर पाओगे बड़े पर्दे पर, या एक पैन इंडिया ऑडियंस को जो टारगेट करते हुए फिल्में आजकल बन रही है? वी हैव नॉट टारगेटेड दैट इन दैट वे, मतलब एक कन्नड़ा फिल्म करने का ही थॉट था, एंड लोगों ने, मतलब इतना सारा वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ तो दूसरे दूसरे लैंग्वेज से डिमांड आया, तो डब करके दे दो करके, एंड वी हैव रिलीज्ड एक फ्राइडे सैटरडे संडे, ऐसा कुछ रिलीजेस हुआ था। एंड डेफिनेटली दैट सिंपल लाइफ एंड आम आदमी का जो ये होता है ना, दैट इज़ नॉट एट ऑल अ सिंपल थिंग। वो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज सेड मोर रीजनल इज मोर यूनिवर्सल करके, एट मोर लोकल मोर ग्लोबल कहते हैं ना, ऐसा है। तो हर लोगों का थॉट वैसा ही होता है, हमारे गांव आ जाओ तो आपको वही कनेक्ट होता है, अगर आपका गांव गया तो भी वैसा ही कुछ रिचुअल्स होगा, लाइफ होगा। सो आई थिंक वो ज़्यादा कनेक्ट हुआ है लोगों को। सर, एक निर्माता, एक निर्देशक के रूप में, एक अभिनेता के रूप में, आप कन्नड़ फिल्म की जो इस वक्त जो एक रीच बढ़ती हुई दिख रही है, उसको किस तरह से देख रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के रूप में? मतलब सारे इंडियन इंडस्ट्री में इतना साल से कन्नड़ इंडस्ट्री का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा में। सो पहले से भी बहुत अच्छा अच्छा रिकग्निशन था, लेकिन आज थोड़ा बड़ा स्केल मिल रहा है, बड़ा बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, बहुत सारे लोग बाहर का, जो दूसरा लैंग्वेज का भी लोग कन्नड़ फिल्म को देख रहे हैं, तो वो देख के खुशी हो रही है। इट्स ह्यूज डिफरेंस और डेवलपमेंट सोचता हूँ मैं।